तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोल देता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगती है। तो आज मैं आया हूँ वैसे भारत दर्शन पार्क और इसकी सैर कराने के लिए आया हूँ। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं और सारी की सारी वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं, जैसे कि लोहा, टीन, प्लास्टिक बोतल जितने भी होते हैं उन चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर और घुमाते हैं आपको भारत दर्शन पार्क। अगर आप यहाँ पर आओगे भारत दर्शन पार्क में, एंट्री होते ही आपको यहाँ पर ये मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार, जो आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया से अंदर आते ही आपको जो है बरगद का पेड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। सामने आसपास जो है वाटर कि इसमें जो है वो चल रहे हैं, फुहारे वगैरह चला रखे हैं, तो वो भी कितने सुंदर लग रहे हैं एकदम देखने के। तो देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो देखने के लिए यहाँ पर। तो आप वृक्ष को पार करते हुए आओगे तो आपको ये मिलेगा हवा महल, इसको बोलते हैं हवा महल, काफ़ी प्रसिद्ध है। कितना मस्त लग रहा है ये, इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता। तो अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये 17वीं शताब्दी में बना हुआ एक मकबरा है, जो महाराजा आदम जी का है, जो भी है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए तो आपको यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर क्या क्या मटेरियल वगैरह यूज़ करा गया है उसके बारे में सारी चीज़ें। तो भाई अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, देखने के लिए तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ से ही आपको सामने ही आपको मिल जाएगा एक, तो कुतुब मीनार क्रॉस करते ही आपको यहाँ पर मिलेगा ये नालंदा एक यूनिवर्सिटी है, ज्ञान का प्राचीन केंद्र है ये नालंदा। अगर इसके इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको। ये है मीनाक्षी मंदिर। अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ और इसमें जो डेकोरेशन की बात करूँ तो भाई काफ़ी बढ़िया। तो भाई हम आ गए हैं फिर एक और नई जगह पर, तो ये है नई जगह का, तो ये है बद्रीनाथ मंदिर। इसको बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। अगर सबसे अच्छी खास बात बताऊँ इनकी, सबसे अच्छी खास बात है इसके डिज़ाइन, जो मतलब कि बनाए गए ना हर चीज़ें जो इतनी बारीकी से बनाई गई है, वो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है मतलब कि देखे जाए तो भाई काफ़ी बढ़िया। पर ये जो टाइमिंग है ना रात को मतलब कि 10 बजे तक खुलता है। और अगर यहाँ की लाइटिंग के बारे में बताऊँ, जैसे कि लाइटिंग तो यहाँ पर सारे में जो है सोलर एनर्जी प्रोवाइड करा रखे हैं, सोलर सिस्टम लगा रखे हैं यहाँ पर, तो उनसे लाइटें वगैरह आती हैं यहाँ पर सारे में। और यहाँ पर आसपास जो है जगह जगह जो है बैठने की चीज़ें वो दे रखी हैं सीटें, तो आप आराम से कहीं भी बैठ सकते हो इसके अंदर। तो बहुत बड़ा पार्क है, आप घूमिए आराम से, आइए फैमिली के साथ आइए ट्रिप पर। तो भाई ये है भगवान कृष्ण का मंदिर, जो 25 साल पुराना माना जाता है। तो 25 साल पुराना ये माना जाने वाला मंदिर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। इसके डिज़ाइन वगैरह, लुक वगैरह भी काफ़ी, डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे कर रखे हैं इसके अंदर, मतलब कि अगर मैं ऊपर की साइड से अलग अलग पार्ट्स दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा है ये। तो आगे देखते हैं आगे की साइड क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, अगर आपको घूमने के लिए आना है तो आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, और मैं तो कहता हूँ आइए यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग। तो भाई अभी थोड़ी सी बारिश पड़ गई है, मौसम बढ़िया हो गया एकदम ठंडा ठंडा हो गया, तो अभी बारिश पड़ रही है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी और आगे की वीडियो जो है अभी थोड़ी देर में देता हूँ। बारिश की वजह से मज़ा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि बारिश में भीग लो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है बारिश का मौसम जो है, ठंडा ठंडा हो रहा है। लेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ऊपर की साइड से भी, नाइस व्यू। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि ये भी है। अगर आप जाओ आते रहोगे ना तो आते आते ही ये सारे रास्ते में मिलते रहेंगे। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बहुत खतरनाक, ये देखो क्या गजब बना रखा है। तब फिर आगे हम एक और जगह पर एक और नई चीज़ के लिए, ये है विक्टोरिया पैलेस। क्या लग रहा है भाई साहब, ऊपर का डिज़ाइन देखो, ऊपर एकदम मतलब स्टैचू जो दे रखा है ना छोटा सा, भाई बहुत खतरनाक लग रहा है एकदम, कुछ भी कहो। ये देखो बहुत ही ज़्यादा शानदार, लाजवाब।
कुछ भी क्यों। वाह, ये है विक्टोरिया पैलेस और इसकी अगर पूरी इन्फॉर्मेशन हाइट वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ पर इसमें मटेरियल यूज़ करा हुआ लिखा है और यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो भाई एक और नई जगह पर आ गए, हम्पी रथ, इसको बोलते हैं हम्पी रथ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई साहब, ये देखो कितना बड़ा है ये, रियली में देखो तो ये बहुत बड़ा है भाई। दो आधी बना रखे हैं यहाँ पर, आगे की साइड जो है वो भी लोहे के, और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ करा गया है ना, साइकिल के जो पुर्जे होते हैं ना उनसे बनाए गए हैं ये भाई, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके आगे मिलेगा आपको ताजमहल, तो ये है भाई सस्ता ताजमहल, यहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना है तो। क्या लग रहा है भाई, चलते हैं आगे की साइड, आगे देखते हैं क्या है इसमें। काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत बड़ा पार्क है ये, तो मैं सारी चीज़ें जो है एकदम डिटेल में नहीं तो पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर हैं यहाँ पर। सारी चीज़ें जो है एकदम बेहतरीन तरीके से बना रखे हैं और डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे हैं उनके। ये है मैसूर का शाही महल, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं अभी आपको, आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, शाही महल। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इसमें मटेरियल यूज़ करा गया है वो यहाँ पर है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। भाई इतना बड़ा पार्क है ना, मैं घूम घूम करके नहीं थक गया, अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं। देखते हैं आगे की साइड, आगे भी है इसके अंदर एक और एक चीज़ और आई है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सेकेंड, इसको बोलते हैं चार मीनार ऐसा दिखता है, मैंने कभी, हाँ ऐसा ही दिखता है, सॉरी इसमें पहचानने में नहीं आ रहा। वैसे ये चार मीनार है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये देखिए। तो इसके डिज़ाइन जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, ऊपर की साइड से भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं इसके बनाए हुए, हर एक एक चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया कर सुंदर तरीके से बना रखी है इसमें। तो भाई हमने चार मीनार देख लिया, हम आगे जा रहे हैं, तो आगे पता नहीं कितने हैं अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक और आ रहा है तो उसे भी देखते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको, आपको ऐसे ही दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इसको बोलते हैं, इसका नाम नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं इसको। तो ये है, कितना मस्त लग रहा है, है ना सुंदर। तो और देखते हैं वो क्या क्या अंदर, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें इस पार्क के अंदर और ज़्यादातर तो फोटो वगैरह खिला रहे हैं, तो ये अलोरा, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उसमें मटेरियल यूज़ कर रहा है और जैसे भी इसके बारे में लिखा हुआ है तो आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हो। जगह आगे हम, ये देखें क्या लग रहा है भाई साहब, हज़ब, इसको बोलते हैं खजुराहो मंदिर, हाँ कैसे बोलते हैं, बाकी इसकी डिटेल आपको यहाँ सामने मिल जाएगी आपके बारे में जो जो इसके अंदर है। तो भाई लास्ट ईयर यही है, यहाँ पर लास्ट हो जाता है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यार कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा और वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और आपको मैं ऐसी वीडियो बनाकर लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, काफ़ी एंटरटेन करता रहूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।